वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के गांधी चौक मेन रोड में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई जमकर हल्ला हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस हंगामा कर रहे दोनों पक्ष के लोगों को अपने साथ थाना पर ले गई। साथ ही स्थिति बिगड़ता देख लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार तथा आंचला अधिकारी स्मृति सहनी भी घटना स्थल पर पहुँच कर मामला को शांत कराने में लग गए। इस संबंध में बताया गया कि उक्त जगह पर एक कपड़ा दुकान है, जिस दुकान को लेकर जमीनी विवाद पूर्व से लालगंज थाना में चल रही है। वहीं पिछले कई महीनों से दुकान को बंद करवा दिया गया था, लेकिन तत्काल दुकानदार के द्वारा दुकान खोला गया। इतने में ही दूसरे पक्ष के लोग आकर दुकान के सामान फेंकने लगे तथा दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। वहीं मौके पर लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार एवं आंचला अधिकारी स्मृति सहनी पहुंच दुकान को बंद करवाते हुए दुकानदार तथा दूसरे पक्ष के लोगों को लालगंज थाना पर ले गई, जहां उक्त मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। विदित हो कि उक्त जमीन पर पिछले कुछ महीने पहले भी हल्ला हंगामा हुआ था, जिसके बाद दुकानदार के द्वारा डकैती करने का आरोप लगाया गया था। जहां पुलिस जांच में उक्त आरोप गलत पाया गया, वहीं पुनः एक बार फिर मारपीट की स्थिति बनी हुई है। दुकानदार का हजारों रुपए का कपड़ा तथा काउंटर आदि तहस नहस कर दी गई है। कौन गिरा दिया है? नमीन कुमार, रोशन कुमार। क्या इसमें दुकान था ना? दुकान तो बंद था 8 महीना से। ये लगभग आज से 5-6 महीना पहले से जो है कुछ झंझट हुआ था। ये वो कहते हमारा जमीन है, वो कहते हमारा जमीन है, लेकिन जिसमें जो दुकान है ये एक बेचारा किरायेदार रहता है, सारा सामान उसका है। इनका दुकान है और ये अमित जी है, मुन्ना आ एक नवीन है, नवीन जी ये हुए, ये कहते हमारा है, ये कहते हमारा है, लेकिन वो है जो किरायेदार है, दुकान उसमें लगा हुआ था। अब आज क्या हुआ, ये 6 महीना से बंद पड़ा हुआ था, ये लोग अपना घेरे हुए थे। सीओ मैडम का आदेशानुसार, बड़ा बाबू के आदेशानुसार ये दुकान जो है कभी खुला। दुकान खुलने के बाद में ये लोग आकर के उस लड़का को जिनका दुकान है उसको बढ़िया से का किए, पूछताछ करने के बाद में अभी जो है सो की दुकान नहीं खुलने देंगे, फलान चले कर देंगे, यही सब है। जबकि कभी कह रहे हैं माल हमारा है, माल निकालने देंगे। अरे ये वो मोची से ही पूछिएगा ना, एक एक माल है उसमें जो भी है ना, उस आदमी का है, दुकानदार का, किसी का नहीं है, दुकानदार का। दुकानदार अपने जगह पर सही है। काफी सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया, कौन फेंका? फेंका ये खड़ा यहाँ नवीन कुमार फेंका, इनका भाई फेंका, फेंक दिया, मारा भी, फोड़ दिया, सब जितना था फोड़ दिया। अभी आप आए हैं तो इसको क्या कैसे क्या क्या हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा सा समाधान इस घर कोई निकल जाए, ये लोग का झंझट खत्म हो जाए। मेन रोड है ये, पूरा आवागमन बंद हो गया है, झंझट समाप्त हो, दुकान फिर से जो है तो अगर होता है कि नहीं दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। अगर आदेश इनको मिला है होगा कि फिर मैडम बोलेंगे कि नहीं दुकान खुलेगी, फिर ये लोग आवेंगे तो ये लोग भुगतेंगे। प्रशासन आई है, प्रशासन भी अपना अच्छा से पहल कर रही है, उनमें कोई नहीं है, कोई एक पक्षीय काम नहीं कर रही है, दोनों तरफ का खून करके अपना काम कर रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनेश कुमार चौधरी। लगा है कि आप सामान दुकान से फेंक दिए, मारपीट किए, क्या मामला? ये मामला सर पिछले 7 महीने से दुकान बंद है, ठीक है, दुकान बंद है तो ये मैटर कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट में जा चुका है और इसी हफ्ते ये दुकान बंद है। ये पिछला क्या किया, पिछला एक महीना से पहले क्या किया कि ये पहले बाहर छान के बेचा फोल्डिंग पर, उसको लगा कि हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम फोल्डिंग बेच साला फोल्डिंग पर, बेचते एक हफ्ता हो गया, उसके बाद क्या किया काउंटर थला बना लिया, पूरा माल पसार दिया, तो ये तो उसका जबरदस्ती है ना। तो ये 20 दिन से हम थाना पवारी पर कह रहे हैं जाकर, सर ऐसा कर रहा है, सीओ को भी कहे हैं जनता दरबार में, कह रहे ये बेचेगा ना तो क्या करेगा? तो किसी का दुकान को तोड़ देना आपका अधिकार है? हमारा जमीन का भी है, जमीन क्या के सड़क पे सरकारी जमीन पे ना बेच रहा है कि आपके जमीन पे बेच रहा है? आपका दुकान बंद था या खुला हुआ था? तो फिर सरकारी जमीन पे बेच रहा है तो आप कैसे फेंक दिए? अगर दुकान के सामने आपको बेच रहा था तो प्रशासन के मदद लेके उसको हटाया जाता है, तो अपने आप तो कानून का हाथ ले लिए। आज 1 महीने के बाद आप ही दोनों भाई दंड टलाया है, आज हम 1 महीने के बाद ही कांड किए हैं सर, तो फिर भी प्रशासन का मदद लेना लिखित दिया है सर, थाना प्रभारी को बोलते रहा सर। यानी प्रशासन नहीं सुना था, अपने से प्रशासनिक विधि व्यवस्था संभालने लगे, दोनों सर प्रशासन। क्या हुआ है, क्या सूचना मिला है? सूचना मिला है कि दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे दोनों में सामंजस्य बन गया? क्योंकि माहौल बहुत गड़बड़ लग रहा है यहाँ। माहौल समय व्यवसायी लोग बोला कि हम लोग ये दुकान जो खुला है हम लोग समाज के बहुत बंद कर देते हैं,
आप बंद कर करके थाना पर जा करके इंस्पेक्टर साहब से बैठ करके अपने समस्या का समाधान किया। अभी आप सीओ साहब से बात किए हैं, क्या बोलिए सीओ मैडम? सीओ साहब बोले कि ये वो दुकान जो जैसा है उसे कर दीजिए, अपने पक्ष के लेकर के आइए थाना पे। सामने विधि व्यवस्था यहाँ गड़बड़ लग रहा है, मारपीट होने की संभावना लग रहा है, क्या माने दोनों पक्ष को कैसे आप माहौल को काम कीजिएगा? कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या मामला था यहाँ पे, काफी विवाद हो रहा था? दुकान का भी वही हम लोग थाना पे बात करने जा रहे हैं। यहाँ विवाद शांत हो गया? अभी तो हम लोग स्टेटस को मेंटेन किए हैं।